लग रहा है हरम ज्यादा वहां जाकर मर गया। अभी तक कोई संवाद लेकर नहीं मेरे पास आया। कुछ देरों के लिए पगली, मैं किसी और को प्रतीक्षा कर रहा हूँ। माथा खराब करने के लिए यहाँ तक तू कहाँ से आ गई? कौन है तू? कहाँ से आई हो? तो छोरा बात के बहाना हम के बना लो तू जनाना। पागल हो गई हो? छोरा बात के बहाना हम के बना लो तू जनाना। हम बनी जति बनी आज तोहरे
प्रेम से सेजिया लगाए, आओ पर तोरा हम सुताए। प्रेम से सेजिया लगाए, ओ पर तोरा हम सुताए। हम मजबाऊ राम दिन ये कहां से पागल औरत आ गई है, ऐसे मेरा माथा खराब है क्या? अभी तक मेरा द्वारपाल नहीं आया है। ये बताओ तू कौन है और कहां से आई हो? दया छाकुलिया खानदान। अच्छा, मैं बनिया घर की मैं लड़की हूँ। दया छाकुलिया खानदान, रंडीसराय में मकान। अच्छा, कुल खानदान और रंडीसराय में दुकान। मकान अच्छा कुलिया खानदान, रंडीसराय में मकान। अदली सही सही प्यान शादी करनी है या प्यार मोहब्बत करनी है तुम्हें तो किसी और जगह चली जाओ। हम तोरे परे अमर मर्दाबा हबरा गेला हूँ, लबरा बन गेल। हबरा गया तो लबरा बन गया। अच्छा ठीक है, तू हमसे शादी करना चाहती हो तो जरा मुख दिखलाओ। जरा मुख दिखना चाहता हूँ। मना कर लियो ना कि हम सब तर गेलियो हुआ ना जाए, वो हमरा साफ जान मार दे। अला हिजरा बन के वहां से आया है ना, पेंती रहता मार दे तोरा हमरा। कौन मार देता? ओए भाई, उसे मालूम नहीं क्या झगरू सिंह का नौकर है, वो तुम्हें मार देता। आप खत्म करे पर रहे भिड़ा ले रहे। अच्छा, अपने का कला का कि जा का झगरू के कह दो कि अगर असल बाप का बेटा होगा ताक हमसे जूझ करेगा, नहीं कुत्ता का बच्चा हम ना पालू। हम वो कहत रहो, वो कहत रहो कि अगर कुत्ता का बच्चा होगा तो घर बैठा रहेगा। हम कहिए मालिक कुत्ता के बच्चा ये हरम जादो। हम कहिए मालिक हमारे कुत्ता के बच्चा ना कि शेर के बच्चा है कि हम बहुत कुछ कह दिलिये। तू क्या कहो? बहुत कुछ कह दिलिये ओकरा। अरे क्या कहो? हम कहले दादा सैयद, हमारा मालिक ऐसे हैं, हमारा मालिक वैसे हैं, हमारा मालिक मोटका भैंसे है। हरमजादा कहीं का बहुत बड़ाई किया। हमारे मालिक ऐसे हैं, हमारे मालिक वैसे हैं, हमारे मालिक मोटका भैंसे है। हरम ज्यादा बहुत बड़ाई कर दिया तूने। ओ नाच का ऐसे बंद कर दे रिकॉर्डिंग। हुआ बतियाइए, हुआ बतियाइए, नेताजी से बतियाइए ना। हुआ लाए है जबरदस्ती हुआ से। अरे दिन में तो रिकॉर्डिंग होबे करेगा, जितना रिकॉर्डिंग देखिएगा कल माए हो जाए। फल एक काम करो, जितने अपना फौज है, जितने सिपाही है, सबको तैनात करो और चलो चलकर बनारस में लो दादा सैयद को किला जो है उससे आग लगा देना है, जला देना है। चलो बनारस तो यही है।
लेकिन वो है कौन? ये है, वो है, वो है, वो है, ये है। अरे बुलाओ, आहो मिया, आहो मिया, जल्दी से आबा तू ही, आहो मिया, तरी तोरा झीलम मिया, कैसे तोरा झीलम हो, तरी तोरा झीलम मिया, कैसे तोरा झीलम, आहो मिया, आहो लतखोर वास्ते में तुम हो। तुम बोला था ना कि मैं नहीं आ पाऊंगा दोबारा। ये हरमजादा कहीं का, तुम्हें तलवार पकड़ने का ढंग नहीं है और काट देगा तू। ऐसा ही पकड़ा जाता है, देखो जैसे पकड़ा जाता है। हाँ हरमजादा कहीं का, सैयद खान, मैंने तुम्हारे यहाँ अपने नौकर को भेजा था पत्र लेकर, ताकि तू सचेत हो जाओगे, रानी देवला यादव सिंह को तू हवाले कर दोगे, लेकिन वैसा तू नहीं किया। अभी भी एक खैनी मांगने के लिए हरमजादा के, तो तुम ही झगड़ू हो। कौन नहीं जानता, मारो घर की रहने वालों, मेरा नाम झगड़ू सिंह है। का नाम है झगड़ू, जन्ने मौन करे तन्ने रगड़ू। सैयद खान, अगर तुम्हें जान प्यारी है तो रानी देवला रुदल सिंह आल्हा सिंह को हमें हवाले कर दो। अरे जैसे रे छल से रे मारा बिरजा शर को किया, वैसे ही ये कर दल अधे बौरे उतार, जान तो पतई तेरे झगड़ू दरिया में। देख बहु सकतिया रे झगड़ू आज तो हरा के, उसे हत्या कर दिया और तुमने कहता है कि मैं अपने आप को वीर हूं, ठीक? तुम पर तो घृणा आता है, हंसी से छी आता है और बोलते हुए तुम्हें मुंह से बू आता है।
ऐ मुसलमान, तुम्हें छात्रियों का ठेगा का बारे में मालूम नहीं। अगर छात्रों सिंह का तलवार म्यान से निकलता तो बिना खून पिए अंदर नहीं जाता। अभी भी मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हें जान प्यारी है तो रानी देवला को मुझे हवाले कर दे, नहीं तो मैं छात्री हूं, मेरा नाम झगड़ू सिंह है, मारे जाओगे। केकर मैया झगड़ू रे पाघिन जलना है, रानी देवला के अले करे उठाए झगरू आज पाची के आयो करो रे ते भई हम बकर दल रे उतार ओ करो रे ते भई हम बकर दल रे उतार देखेगा सकतिया रे झगरू आज तो हरा के मारल जाएगा तू बनारस में। सही हद सुनला धर्म दिल के बात कर दे हवाले रे रानी देवला मैंने दो बार समझौता दिया, अगर तुम्हें इस बातों पर यकीन नहीं है तो चल रणभूमि में आ जाओ, जिसकी बाहों में जितना ताकत हो अजमा ले, या तो तू मर नहीं तो ये झगड़ू सिंह मरेगा। यदि तुम्हारे यही तमन्ना है तो पर खुदा की कसम आज तुम्हें सरधर से अलग अवश्य करूंगा। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार। क्या शायद आज मेरे हाथों से उसको अल्लाह ने बचा के खुद भगाया, परंतु कब तक कान की तरह तुम छुप कर रहेगा झगड़ो? एक दिन मेरे हाथ है, तुम्हें मरना ही होगा। मखमल्ला खान, बेटा अल्हा और बेटा रुदल दोनों को मैं स्कूल में नाम लिखा रहा हूं और स्कूल में भेजकर उसे पढ़ा लिखा कर मैं उसे अच्छा शिक्षा देना चाहता हूं। अल्हा रुदल जल्दी आप। और रुदल कहां है?
बेटा अल्हा भी और दोनों रुदल यानी दोनों भाई जो है कहीं खेल में भी थे। उसे तो अभी समय का मालूम ही नहीं जो कि पढ़ने में क्या होता है। खूब मस्त रहो। बात क्या है चाचा जी? बात यही है कि तुम दोनों भाई चलकर स्कूल में एडमिशन कराता हूँ मैं तुम्हें, और चलकर तुम्हें स्कूल में दोनों भाई को पढ़ना है। ठीक है, चलिए चलिए साहब। कहिए बात क्या है? मैंने आपको स्कूल में इसलिए आया हूँ, इसलिए ये मेरा दोनों लड़का जो है ए और ए। हाँ हाँ अच्छा, इस दोनों को मैं आपको स्कूल में एडमिशन कराना चाहता हूँ। दोनों को नाम लिख लीजिए, बड़े को नाम अल्लाह सिंह है और छोटे का नाम रुदल सिंह है, और दोनों को ध्यान से शिक्षा दे दीजिए कि ताकि कल लोग मुझे और इसको भी पढ़ाना है। ए देखिए ना, ए एक कैसा है, आकर के कुर्सी पर बैठा हुआ है, जरा सा इसको समझाइए। बेहुदा कहेगा, कहता है जो हमको कौन पढ़ाएगा, वैसे ही पढ़ता है। अरे गुरुदेव का जगह है, मार साहब को जगह है, वो मार साहब के हो? हाँ मार साहब के नो नो। अरे मास्टर साहब का है, और तुमको जो है इधर बैठना है। हाँ स्कूल करने के लिए आए हो, नाम भी लिख लीजिए गुरुदेव। तुम्हें क्या नाम है? हमारा नाम है ले भागा। अरे ले भागा, अच्छा ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ले भागा। और पिताजी का नाम? जो भागा तो भागा। तुम्हारा नाम ले भागा? अरे इसी तरह सब पूरे खानदान का है। देखो स्कूल में ए नाम नहीं रहेगा, स्कूल में नाम आज दिन से तुम्हें चुटकी लाल रख दिया। ठीक है बैठो और हाजिर बुलाते हैं। बैठिया। अरे उधर बैठो। इन्हीं। हाँ तू बैठ पाई। अरे इस पर हम बैठेंगे, चलिए बैठो। अरे हम खई नहीं खाते हैं, नहीं। अरे वो सब नहीं, सुनो अलासी, हमने हाजिरी बोलते हैं। नंबर एक अलासी, नंबर दो उदासी, नंबर तीन चुचुक्की लाल। हाजिरी बोलना है, हाजिरी बोलना है कि हाजीपुर स्टेशन है, बोलो। ओ हाजिर बोला है, हाजी हाजी। अब हुआ, अब ठीक है, ठीक है। अब ये पहला पढ़ाई जो है हम उधर से शुरू करते हैं। अरे पॉकेट चार्ज करता है, अलग बैठो, अलग बैठो, बहुत छोटा है। अड़ा सिंह पढ़ो, आओ आ ई ई ओ। रुद्र सिंह तुम पढ़ो, आओ आ ई ई ओ। अरे ओ कौन पढ़ाई हुआ? ए परीक्षा दे का थोड़े मास्टर भले एकरा शिक्षा मित्र में बेले मुखिया जी के घूस देखो, मुखिया जी के घूस देखो। शिक्षा मित्र में बहाली भेले जा, आप सलाह 40,000 महीना पावे छ। 40,000 महीना? 40,000 पर एकरा लिखो छ, पर भई छ एकरा। ओ कौन पढ़ाई हुआ? ओ वो ना कछ एकरा पर पहले पढ़ाई है शुरुआत। शिक्षा मित्र में बहाली भेले ह, पांचवा पास ह, पांचवे पास ह, आवाली की ना वई छ, आवाली की ना वई छ। हम पढ़बो से पढ़बै ना एक लमर,
पढ़ो रे मन ओ नमः स्कूल में आया है पढ़ने के लिए किए गाने गाने के लिए मारला घंगरा क्या तुम स्कूल में आज शनिचर है गाना गाता है स्कूल तुम्हारा क्षमता कैसे हो गया कि मैं अल्लाह से ये दोनों नहीं पढ़ सकता है। ये अल्लाह सिंह पढ़ेगा क्या अल्लाह सिंह पढ़ सकता है हाँ। पर ये दोनों नहीं पढ़ेगा ये दोनों नहीं पढ़ेगा बाला ए दूसरा काम दीजिए हमरा के 1000 रुपया छी तला तरफ बताइए आते आते खई ये खैनी मांग दिया हमसे चाचा जी हाँ। ये सबसे बिगाड़ देगा ये उसको ही बिगाड़ देगा अच्छा अच्छा ठीक है मार साहब मार साहब तो मैं ये दोनों को तरफ से मैं आपको माफी मांगता हूँ ठीक है आप जाइए मैं इसे समझाता हूँ ठीक है हम इसे काट दे ए काट दे मुझे थोड़ा काट दे अरे नाम काट देते हैं तुमको दूसरा काम मिलेगा अच्छा अच्छा सही बात है ठीक है चाचा जी अल्लाह से आप पूछिए हाँ इससे और उससे पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा बेटा रुदल रुदल ना पढ़े ना पढ़े ना नहीं पढ़ेंगे क्या तुम नहीं पढ़ोगे पढ़ा लिखा अपना खराब खेला कूद अपना नवाब हम लोग नहीं पढ़ेंगे अच्छा तो खेलने कूदने वाला तुमको काम चाहिए तो गौर से सुनो बेटा काम क्या करेगा तो? तुम काम क्या कर सकते हो तो? जो कहेगा वो करेंगे अच्छा जो मैं कहूंगा वो तुम करोगे हाँ बेटा था ऐसे कीजिए इसको ड्यूटी बांट दीजिए वही तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों को ड्यूटी बांट देता हूँ अपने पास 360 गाय है क्यों ना ये दोनों को ही बांट कर दे दिया जाएगा कुछ चराता रहेगा दिन भर तो रुदल ना तुम दोनों पढ़ सकते हो ना तुम कुछ कर सकते हो क्या तुम्हें गाय चराना जाने वो ना गाय चरा सकते हो क्या गाय हाँ हाँ ठीक है मैं गाय चराने जाऊंगा अच्छा लेकिन मेरा एक शर्त है क्या शर्त है कह सुनाओ दोस्त ऐ मुबारक जहां कहीं हो स्टेज पर आने का कर करो मुबारक ऐ दोस्त चाचा कह रहे गाय चराने के लिए काम ठीक रहेगा एक नंबर काम गाय के हाँक देव इन्हें खेलते रहो ठीक रहेगा ना कोई के जने ले चढ़ जाते या कुछ चढ़ जाते ज्यादा तो बोलते इस लाके काट देवे कर दो वो बात तो है लेकिन मेरा वो शर्त रहेगा चाचा जी से चाचा जी हाँ बोलो मैं जो कहूंगा उस बात को अगर आप मान लीजिएगा मैं गाय चराने जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए सब कुछ मानने के लिए तैयार हूँ आहो करा तोहार हो चाचा तो दूध हमारा क्या हो दूध न
लेकिन आपको बनारस राज में मैं एक थोप दूध नहीं दूंगा, सारा किस रात दूध मैं पी जाऊंगा। मुझे ये भी बात मंजूर है, क्योंकि यदि तुम ऐसे कर कर भी तुम सुधर सकते हो तो मुझे फक्र की बात होगा। जोरदल मुझे ये भी बात मंजूर है, तो गाय लेकर तुम चढ़ाओ। मुबारक मुबारक जी, अब जाकर भी स्टेज पर आने का कष्ट करें। मुबारक जी। हाय रुदल। हाँ भैया। क्या तुम्हें यही विचार था? हाँ भैया। जो गाय ही चराएंगे। मैं गाय चराऊंगा, लेकिन मैं एक थोप दूध इस बनारस राज में मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तुम्हें जैसा इच्छा। ठीक है भैया। छोरी जा बताओ हो भैया, क्या छोड़ दी? आहो तू हुई सकुलवा, क्या स्कूल छोड़ दे? चल कर चल भैया, आहो हमरा कर पास, आहो चल बेचारा पे हो भैया हम कैला। ऐसे करो, जो गाय भैंसी चरनाई छोड़ करके और चलो मेरे साथ स्कूल में। भैया आप जाइए स्कूल का मुंह देखने के लिए, मुझे शौक नहीं है कि मैं स्कूल का मुंह देखूं। आप जाइए ऐसे। क्या तुम नहीं बात मुझे? नहीं, मैं जाऊंगा गाय चराने। तुम आज से गाय चराना। ठीक है, मैं जाता हूँ गाय चराने। अरे दोस्त, अरे गाय सबको खोलो, ले चलो चराने के लिए। हाँ से कटवा दो वो कसैया से, नहीं तो ठीक लथार मारब गोर तोड़ दबो, गोर लंगड़ी धो के मुंह मोड़ दबो। ए दोस्त, अपना राज कचहरी खत्म हो गया। क्या अपने राज कचहरी खत्म हो गया? बताओ कौन राज में चरी बचा हुआ है? दिल्ली का बचा हुआ है।
दिल्ली का और दिल्ली का फाटक तोड़ कर अपने सारे गाय को घुसा दो। लेकिन पहले लमर गाय तू हो ना है गाय ना तो भाई खबर उगाई ना भूखले रह भाई। हाँ दोस्त बात तो तू सही कहा, पहले कुछ पेट भोजन होना चाहिए ना। हाँ गाय को तू है। हाँ अच्छा लोटा होने से ला लोटा तो हाँ तू हाँ पियेंगे तू न सब गाय के दूध पी जाए एगो के न रह दे भाई। कसैया से कटवा देबो कसैया से न तो स्थिर रहो। लेकिन दोस्त आज सबसे पहले मैं गाय चराने के लिए आया और जब मैं गाय का दूध जब मैं दुहा मेरा इच्छा है कि ये दूध माँ देवी के चरणों में चढ़ा दूं। पहला दूध माने जिलेबी माई के देवी माई के जिलेबी माई नहीं होती देवी माई के। उसके बाद दूध चढ़ा के उसके बाद हम लोग पियेंगे भाई सब गाय के अति में दूध का पियेंगे। किया है माई जीवनी जी किया है माई जी मेरी जी निर्भागे लागे यार के माई झूला बाजूल के हाय मैया के लागल हाय पियासिया के लागल हाय पियासिया के किया है माई जी मेरी जी निर्भागे लागे आर गे माई आज सूता लने लुकी चादर ए सीताला मैया आगोर ए सीताला मैया किया है माई जी मेरी जी मिल भागे लाबे आर गे माई
जीवन लाके आए और जाके हमार अहले लना चढ़ाओ ना है देवी आनी हमारा से मैया तोरा कर पास देवी तोरा कर पास चढ़ाना है देवी तनी हमरा के मेरा शौक हुआ कि देवी माँ का के चरण में मैं सुमरण कर दूं, इसलिए माँ मेरा पूजा को तुम स्वीकार करो। बेटा तुम्हारा पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्या माँ, मेरे पूजा से तुम खुश हो? हाँ बेटा। ठीक है माँ। देवी आहे तनी हमारा पे